बाबरी मस्जिद विध्वंस पर लगातार सुनवाई जारी है। यही नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस आरोप के घेरे में आए बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में मंदिर पर जल्द फैसला आना बीजेपी के लिए भी जरूरी हो गया है। परंतु बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस के दोषी भी शामिल होंगे। परंतु ऐसा लगता है कि राजनीति में दोबारा वापस लौटे कल्याण सिंह की मुसीबत बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह जैसे ही सक्रिय राजनीति में लौटे, उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा विध्वंस मामले में कल्याण सिंह का बतौर आरोपी तलब करके मुकदमा चलाए जाने की अर्जी पर लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई आज कोर्ट में यह साक्ष्य पेश करेगी कि कल्याण सिंह वर्तमान में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पिछले दिनों कल्याण सिंह सक्रिय राजनीति में वापस लौटे, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले वे राजस्थान के राज्यपाल थे, अब उनकी जगह कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई ने बीजेपी के लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास जैसे लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि ये सभी नेता फिलहाल जमानत पर हैं। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने पहले कहा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक तथा दीवानी मामलों में छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार कोई भी अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को समन जारी नहीं कर सकती। देखना यह है कि बीजेपी सरकार कल्याण सिंह का किस तरह बचाव करती है। इन सभी मामलों से बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।